हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद मैथ्स की वर्कशीट, जो कि डे 29 और 30 की है। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें हमसे पूछा है नीचे दी गई संख्याओं को पूछे गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं और इसको पहले तो हमें बढ़ते क्रम में लगाना है और उसके बाद घटते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, छोटी से शुरू करके बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना है और घटते क्रम में उसका उल्टा करना है। हमें बड़ी से शुरू करके छोटी संख्या की तरफ आना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे बढ़ते क्रम में। तो इसका मतलब हमें शुरू करना है सबसे छोटी संख्या से। तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 4, उसके बाद इससे थोड़ी बड़ी है 9, 4 और 9 हट गया, इसके बाद थोड़ी बड़ी है 16 के बाद आ जाएगा 21, 21 के बाद आ जाएगा 33 यानी 33 और उसके बाद आ जाएगा 57। ठीक है, अब करते हैं हम नीचे वाला सवाल। इसका मतलब अब हमें अरेंज करना है इनको किस क्रम में, घटते क्रम में। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करनी है। तो सबसे बड़ी 57, इससे थोड़ा सा छोटा 33, इससे थोड़ा सा छोटा 21, इससे थोड़ा सा छोटा 16, इसके बाद 9, इसके बाद 4। ठीक है, तो ये वाला सवाल तो हल हो गया। अब हम देख आते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे, जो कि है ऑप्शन खा। इसमें भी हमें कई सारी संख्याएं दे रखी हैं और सेम हमें वही करना है, पहले बढ़ते क्रम में लगाना है और उसके बाद हमें घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इनको बढ़ते क्रम में, शुरू करेंगे सबसे छोटे नंबर से जो कि है 25, इसके बाद आ जाएगा 32। तो 25 और 32 हम दोनों हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आ जाएगा 46, इसको भी हटा देते हैं, इसके बाद है 57, इसको भी हटा देते हैं, उसके बाद है 61 और इसके बाद आ जाएगा 76। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे घटते क्रम में। इसका मतलब शुरू कहाँ से करना है, सबसे बड़ी संख्या से। तो वो है 76, इसके बाद 61, इसके बाद 57, इसके बाद 46, इसके बाद 32 और इसके बाद 25। ठीक है, तो ऑप्शन खा भी पूरा हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि गोल घेरे की संख्या के ठीक पहले, बाद या बीच की संख्या लिखें। तो यहाँ पे देखो, ये है गोल घेरा जहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं। तो हमें या तो इसके पहले वाली संख्या को लिखना है, या तो बाद वाली को लिखना है, या तो फिर बीच वाली संख्या को लिखना है। तो पहले में यहाँ पे हमें 12 दे रखा है, 12 के पहले क्या आता है 11 और 12 के बाद क्या आता है 13। ठीक है, अब अगले वाले हिस्से में अगर हम देखें तो हमें नंबर दे रखा है 17, 17 के जस्ट पहले आता है 16 और 17 के जस्ट बाद आता है 18 यानी कि 18। अब अगर हम नीचे वाले सवाल को देखें, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा हमें यहाँ पे सवाल अलग दे रखा है। यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है 13। तो 11 के बाद क्या आता है 12 और 13 के पहले क्या आता है 12। तो इसका सवाल, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हमें एक सवाल और दे रखा है, ये है 36, यहाँ पे है 38। 36 के बाद क्या आता है 37 और 38 के पहले क्या आता है 37। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 37। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो चिन्हों को हमें देखना है, यहाँ पे देखो 4 सवाल दे रखे हैं, ये दोनों सवाल जमा के हैं और ये दोनों सवाल घटा के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करेंगे जमा के सवाल, जो कि है 8 जमा में 5 जो कि आ जाएगा 13। 13 का 3 तो हम यहाँ लिखेंगे और एक ऊपर लिखेंगे। तो 5 जमा में 1 6 जमा में 1 7, आंसर आ जाएगा 73। ठीक है, अब हम हल करेंगे नीचे वाले सवाल को, जो कि है 4 जमा में 3 आ जाएगा 13। 13 का 3 तो यहाँ आ जाएगा और एक ऊपर आ जाएगा। तो 2 जमा में 2 4, 4 जमा में 1 5, आंसर आ गया 53। ठीक है, अब आ जाते हैं हम घटा के सवाल पे। तो अगर हमें यहाँ पे सबसे पहले देखो घटाना है 5 में से 7 को, क्या ये घट सकता है, नहीं घट सकता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे
हम हासिल लेंगे ये आ जाएगा 15 और ये बचेगा 5। 15 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 8। 5 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। आंसर आ गया 28। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल को देखो, यहाँ पे हमें 8 में से 9 घटाना है जो कि नहीं घट सकता, तो इसका मतलब हासिल लेंगे, ये आ जाएगा 18, ये बचेगा 3। 18 में से 9 घटाएंगे बचेगा 9, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1। आंसर आ गया 19 यानी कि 19। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा सवाल जिसमें हमसे कह रखा है कि ऐसी 6 वस्तुओं के नाम लिखें जिनका वजन 5 किलोग्राम से कम हो। तो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, आपका पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, रबड़ हो सकता है, पेंसिल है, कॉपी है, किताबें हैं, ठीक है, कपड़े हो सकते हैं, आपके जूते हो सकते हैं। तो चलिए इन सभी का हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पेन, रबड़, किताब, रंग, रंग क्या होते हैं कलर्स, फिर कॉपी और उसके बाद है पेंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर जिसमें हमसे कह रखा है कि मोहित ने 28 रुपए की चीनी और 36 रुपए की दाल खरीदी, तो बताएं कि मोहित ने कितने रुपए खर्च किए। तो पहले मोहित ने खर्च किए हैं 28 रुपए, इसके बाद 36 रुपए और खर्च किए हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 8 जमा में 6 कितना आ जाएगा, 14। 14 का 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 3 जमा में 2 आ जाएगा 5, 5 जमा में 1 आ जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। आंसर आ गया 64 रुपये यानी 64 रुपये मोहित ने खर्च किए। छठा सवाल है कि एक दुकानदार ने 45 रुपये का एक नमकीन का पैकेट खरीद कर 53 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो हमें बताना है कि दुकानदार को कितने रुपये का फ़ायदा हुआ है। कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले देखो दुकानदार ने बेचा कितने में है, 53 में, ख़रीदा कितने में था, 45 में। अगर हम 53 में से 45 को माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि दुकानदार को कितने का फ़ायदा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम घटाना शुरू करते हैं, इसके लिए हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ से हासिल लेंगे ये आ जाएगा 13 और ये कितना बचेगा, 4। 13 में से 5 घटाएंगे बचेगा 8, 4 में से 4 घटाएंगे बचेगा 0, यानी कि दुकानदार को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है बच्चों, ये हुआ है 8 रुपए का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।